जनपद में ठंड की वजह से जिला अस्पताल में सर्दी खांसी जुकाम के मरीज अधिक आ रहे हैं, लेकिन अन्य मरीजों की बात की जाए तो जिला अस्पताल में कमी आई है, जिसके संबंध में एमडी फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में ठंड की वजह से सभी नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग बीमार पड़ रहे हैं और परेशान भी हैं। इसलिए सभी नागरिक ठंड से सावधानी बरतें, पूरे शरीर पर गर्म कपड़ा पहने, यदि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। जो भी हृदय, शुगर, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और जो इलाज करवाते हैं तो वह अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि आप समान दवा खाते हैं उसमें बदलाव करना पड़ता है। ठंड की वजह से अस्पताल में सर्दी खांसी जुकाम के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और इमरजेंसी में हृदय के भी मरीज आ रहे हैं, जिनको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बचाव के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें, गर्म कपड़े का प्रयोग करें, हाथ पैर को खुला ना रखें ताकि इस ठंड से बच सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एमडी फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त है, सबका व्यस्त है, मरीज भी परेशान है ठंड की वजह से, लेकिन ठंड में सावधानियां तो बरतनी है। ठंड में पूरे शरीर में कपड़ा डाल के रखें, मोजा पहने, ठीक है, स्वेटर डालें, मफलर टोपी का प्रयोग करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। और जो भी हृदय रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं, जो दमा का इलाज कराते हैं, नियमित रूप से अपने डॉक्टर से दिखा करके और अपने दवाओं को नियंत्रित करा लें। कभी कभी होती है कि ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो सामान्य दवाएँ पहले से खाते रहते हैं उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है, तो अतः समय समय पे अपना जाकर के चेकअप कराएं। किस तरह इस समय सर्दी खांसी जुकाम और सांस फूलने के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और इमरजेंसी में ब्रेन स्ट्रोक के भी मरीज आ रहे हैं, हृदयघात के भी मरीज आ रहे हैं, जिनको इमरजेंसी में भर्ती करके उनको इलाज कर रहे हैं। सर घरेलू उपचार क्या है? घरेलू उपचार इसका यही है कि गुनगुने पानी का सेवन करें, खिड़की वगैरह जो है अनावश्यक रूप से खोल के ना रखें और अपने आप को ठंड से बचा के रखें।